हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं लोग? मुझे उम्मीद हुआ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे लोग। तो मैं आज आप सबको आज बेल बॉटम पैंट की कटिंग मैं दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो इसका कटिंग किस तरह से होता है, पहले इसको उल्टे कपड़े में ऐसे बिछा करके ऐसे बिछा लेना है। उसके बाद करना ये है कि एक पहले स्टेटिक मार्का डाल लेंगे लोग। एक स्टेट मार्का डालने के बाद फिर क्या करेंगे लोग, ये हमारा इसका लेंथ है, इसका लंबाई है 38 इंच। तो पहले 1 इंच बेल्ट जो लगता है उसके लिए 1 इंच पहले बाहर ऊपर की तरह निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग 38 इंची पे मार्का डाल लेंगे लोग। फिर आगे बढ़ा करके 38 इंच पे मार्का डाल लेना है। अब डालने के बाद इसको क्या करना है, स्टेट मार्का एक अच्छे तरह से लगा लेना है। और लगाने के बाद करना ये है, यहाँ से ये जो इसका बटन फोल्डिंग के लिए, मोरी फोल्डिंग के लिए 3 इंच रख लेना है। 3 इंच इसलिए रखना है क्योंकि जब इसको ये पैंट का मोहरी बोला है तुरपाई करने के लिए, इसलिए 3 इंच रख दिए। अब हमारा आसन है 24 इंच है इसका आसन। तो इस आसन 24 इंच है, तो 24 का आधा होता है 12। 12 में से 3 इंच बेल्ट के निकाल दीजिए। 3 इंच बेल्ट के निकालने के बाद हमारा आएगा 9 इंच। 12 में से 3 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिए तो 9 इंच आया, तो 9 इंच पे मरका डाल देंगे लोग। तो ये हमारा हो गया, अभी से भी मरका लगा लेंगे लोग। अब करना ये है कि अब घुटना का मार्क लगाना है। तो घुटने के लिए पहले यहीं से 1 इंच निकाल करके यहाँ पे क्या करना है, करना ये है कि यहाँ से 20 इंच पे अपना घुटना का मार्क लगा लेंगे लोग। तो 20 इंच पे यहाँ पे मार्का डाल देना है, और यहाँ पे आगे बढ़ा करके भी एक 20 इंच पे मार्का डाल देना है। इसे भी स्ट्रेट मार्का लगा लेना है। चलिए अब अपना थाई यानी जांग का मार्किंग डालते हैं। तो हमारा जांग है 22 इंच। 22 इंच का आधा होता है 11 इंच। तो 11 इंच रख लेंगे, 1.5 इंच अंदर की तरफ फ्लाई के लिए ले लेंगे। और यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट देखेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो कोर है कॉर्नर भाग, यहाँ तक हमारा आ रहा है 9.5। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे 9.5 रख करके और आधा इंच कम कर लेना है, 9 इंच यहाँ पे लगा देना है। क्योंकि जो ये आधा इंच इसलिए कम किए हैं कि हमारा हिप शेप में चला जाएगा। तो अब आइए, अभी इसका पहले सेंटर मार्क निकालते हैं। तो पहले यहाँ से जो हम जांग के लिए 22 इंच का मार्क जो डाले थे, 11 इंच, 11 इंच का आधा आता है 5.5 इंच। 5.5 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम देख लेंगे कितना आ रहा है, और जितना आ रहा है उतना सेंटर मार्क लगा लगा लेना है। तो 5.5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपने एक 5.5 मार्का डाल लेंगे, और यहाँ पे भी एक 5.5 पे मार्का डाल लेंगे लोग। अब हमारा मोहरी है, इसका मोहरी जो है 19 इंच है। तो 19 इंच का आधा होता है 9.5, और 9.5 का आधा होता है ये 4.5। 4.5 इधर मार्का डाल लेंगे, 4.5 फिर इधर मार्का डाल लेंगे लोग। तो ये हमारा हो गया 19 इंच, ये हमारा मोहरी का मार्का लग गया। अब हमारा घुटना का मार्का डालेंगे। तो हमारा घुटना इसका है 16 इंच। तो 16 इंच का आधा हुआ 8 इंच, 8 इंच का आधा हुआ 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच इधर को मार्का लगा लेना है, 4 इंच इधर को मार्का लगा लेना है। अब चलिए इसको स्केल से अब इसको मार्का डालते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक इसको भी मिला करके मार्का डाल लेना है। ये मार्का डाला गया। अब इसमें सिर्फ अच्छे तरह से शेप में फ्लाई के लिए मार्का लगा लेना है। ये हमारा हो गया। अब आइए अब कमर का नाप देखते हैं कितना है हमारा कमर। तो ये कमर जो है, इसका कमर है 31 इंच। तो 31 का 1/4 हुआ, 7.25 हुआ, 7.25, और फिर 1 इंच हम अपना सिलाई मार्जिन के लिए मार्का डाल लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ आधा इंची, 1/2 इंच डाउन कर लेंगे लोग। 1/2 इंच डाउन करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जितना जो है, यहाँ से यहाँ तक डाउन करने के बाद इसको भी मार्का लगा लेना है। ये लगाने के बाद आप सेफ स्केल से हिप का मार्का डाल लेंगे लोग। यहाँ से यहाँ तक इसे भी मार्का डाल लेना है। अब ये जो है, ये घुटना,
अब यहाँ से इस घुटने तक का मरका डाल लेना है। फिर इस स्केल को ऐसे डालने के बाद फिर इसको ऐसे पलट करके फिर आगे ला करके यहाँ से इस घुटने तक का मरका डाल लेना है। इसको डालने के बाद फिर इसको अच्छे तरह से शेप में मिला करके ये जो मोहरी का जो मरका जो डाले थे इसे भी अच्छे तरह से मरका डाल लेना है। ये हो गया। फिर इसको ऐसे पलट करके फिर इधर की साइड भी अपना मरका डाल लेंगे लोग। तो ये हो गया, ये भी मरका लग गया। तो अब इसको इस जो ये पैंट में बेल बॉटम पैंट में इसको तिरछा करके मोहरी में नहीं मरका लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट मरका लगा देना है। बिल्कुल स्ट्रेट दोनों बगल ये मोहरी का जो है वो लगा देना है। तो ये हमारा हो गया, पैंट का मार्किंग लग गया। तो अब आपको पहले कटिंग नहीं करना है, कटिंग करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि जे क्या ये मेरा नाप जितना था उतना है कि नहीं। तो चलिए अभी हम अपना नाप चेक करते हैं। ये हमारा 38 इंच था, तो 38 इंच है। मोरी हमारा है 19 इंच, 19 का आधा होता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच ये भी है। अब हमारा ये जो घुटना है 16 इंच है, तो 16 इंच का आधा होता है 8 इंच, तो 8 इंच ये भी है। और जांघ का देखते हैं, तो जांघ हमारा है 11 इंच, तो ये जांघ है हमारा 22 इंच है, 22 इंच का आधा 11 इंच हुआ, 11 इंच ये भी ठीक है। अब आसन का भी चेक कर लेंगे। तो आसन हमारा था 24 इंच, 24 में से 3 इंच बेल्ट के लिए निकाल करके 9 इंच रख दिए हैं आसन के लिए भी। और कमर का अपना चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा कमर भी ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लास्ट तक हमारे वीडियो को बने रहते हैं तो मुझे उम्मीद होगा कि आप सब बेल बॉटम पैंट की कटिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि ये किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है कि कभी भी इंसान को अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान बहुत महंगा पड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लास्ट तक बने तो रहिए। सब कटिंग करने के बाद अब इसको अब करना ये है, अब इसको दोबार करके रख लेंगे। अब बैक पला की कटिंग करेंगे। तो बैक पला को कटिंग करने के लिए पहले इसको पकड़ करके उल्टा में ऐसे रख लेना है। अब इसको अच्छे तरह से रख करके अब इस पे हम लोग अब इस कपड़े को अच्छे से इसको बिछा लेंगे लोग। तो अब इसको अच्छे से रखने के बाद क्या करना है, पहले यहाँ से इसको देख लेना है हमारा सेंटर में है कि ना है 12 इंच। तो ये हमारा सेंटर में हो गया। अब ये हिप को शेप को पहले लगा लेना है, यहाँ से लगा करके यहाँ से इसको ऐसे पलट करके इसे अच्छे तरह से शेप स्केल से शेप लगा लेना है हिप के लिए। लगाने के बाद फिर यहाँ से इसको अच्छे तरह से रख करके अब अपना बैक वाला 1.5 इंच उठा लेंगे लोग। 1.5 इंच उठाने के बाद करना ये है स्केल लेकर के यहाँ से कमर का जो मार्क जो लगाए थे यहाँ तक इसको मरका लगा लेंगे लोग। अब लगाने के बाद कमर और जितना लूजिंग था, कमर का नाप और जितना लूजिंग था उतना हम यहाँ पे भी अपना रख लेंगे लोग। रखने के बाद ये 2.5 इंच मार्का लगा देंगे लोग कभी ढीला टाइट करने के लिए। अब यहाँ से अपना ये जांग का जो आगे जो 2.25 इंच यहाँ पे मार्का डाल देना है, और 1.5 इंच मोहरी के पास मार्का डाल देना है, घुटने के पास भी 1.5 इंच मार्का डाल देना है। और इसको सेफ स्केल पहले इसको अच्छे तरह से पहले जो मार्का जो डाले थे इसको कॉपी कर लेंगे लोग आगे तक। एक कॉपी करने के बाद करना ये है सेफ स्केल ले करके ऐसे इसको भी सेफ स्केल से अच्छे तरह से मरका डाल लेना है। इसे डालने के बाद इसे भी डाल लेना है। अब डालने के बाद यहाँ पे मोहरी का भी मरका अच्छे से लगा लेना है। तो अब आता है अब हमारा हिप का मार्किंग कैसा लगेगा। तो पहले 1/2 इंच इधर को लगा लेना है और 1/2 इंच इधर को लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ से जितना आ रहा है हमारा देख लेंगे लोग, जितना मार्किंग लगाए थे 1/2 इंच उधर निकाल के 1/2 इंच इधर, तो ये हमारा आ रहा है 8.5। और हमारा हिप है 35 इंच है, तो 35 का आधा होता है
17:30, तो 17:30 हमारा यहाँ पे आ रहा है। आप इसको मार्कर डाल लेना है, थोड़ा सा इसको उठा करके आगे एक तरफ इसे थोड़ा और खींच लेना है। खींचने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जब स्केल जब मिलाइएगा तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो उसके बाद इसे मार्कर लगा करके इसे भी सिलाई के लिए, सिलाई हमारा यहाँ से होगा तो यहाँ ये भी मार्कर डाल लेंगे लोग। अब हमारा ये मार्जिंग का इसको भी उठा करके ये कोना में ला करके यहाँ पे कोना में इसे भी ऐसे स्ट्रेट मार्कर लगा करके, और ये हमारा कपड़ा मार्जिंग हो गया, कटिंग हो गया यहाँ से। तो चलिए हमारा मार्कर लग गया, अब हम इसको कटिंग करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी अगर कुछ भी अगर बाकी अगर रह गया हो, अगर आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर एक किसी का कमेंट का रिप्लाई करता रहता हूँ। हो गया, अब इसको ऐसे उठा करके और जहाँ तक हिप तक, यहाँ से अपने जांग तक जहाँ तक अपना मार्कर डाले थे वहाँ तक इसको पहले कटिंग कर लेंगे लोग। अब इसके बाद ऐसे रख करके अब आगे का भी कपड़ा का कटिंग ऐसे करें। पैंट का कटिंग हो गया, अब यहाँ पे एक कुछ डाल देंगे लोग कोट पॉकेट के लिए, सेंटर का मार्क एक सेंटर में कुछ डाल देंगे लोग। अब ये हमारा हो गया पैंट का कटिंग।